हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, तो अभी हम कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग काम, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी टाइम बाद हम वो काम कर रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों। सो गाइज़ ये है वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। तो अभी हम चूल्हे में बना रहे हैं मटन, तो काफ़ी टाइम हो गया था, सावन का महीना चल रहा था, इस वजह से हमने मटन नहीं खाया था। सोनित तू बनाएगा मटन? हैं पता है तेरे को आता है बनाना? आता है, बस प्रेशर रखना है, टमाटर डालना है, प्याज डालना है, मसाला डालना है, तेल डालना है। मसाला कौन कौन सा डालना है यहाँ पे? जो दो पैकेट पड़े हुए, एक मीट मसाला है, कल कर डाल देंगे। बहुत तेज हो रहा है। तो अभी बाहर बारिश भी हो रही है, इस वजह से मम्मी और नहीं पे कपड़े भी सुखा के अंदर ही। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई, तो लकड़ियाँ भी थोड़ा मतलब नमी हो रही थी लकड़ियों में भी, क्योंकि लकड़ियाँ भारी पड़ी रहती हैं यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ी गीली हो रही थी लकड़ियाँ, तो आग जलाने में हमें काफ़ी दिक्कत हुई। तो अब देखते हैं प्रोसेस क्या क्या है मटन बनाने की। सभी चीज़ तो हमने यहाँ पे रख दी है अंदर से लाके। ये हमने मटन के लिए स्पेशली बना रखा है प्रेशर कुकर, इसमें हमने लिपाई कर रखी है मिट्टी की, ताकि प्रेशर कुकर काला ना पड़े। ये मिर्च है, ये गरम मसाला है, ये हल्दी है, ये नमक है, और ये खड़े मसाले हैं। तो अभी ऑयल गरम हो रहा है प्रेशर कुकर में। रख सकते हैं? एक टिश्यू पेपर लिया, दो तीन जरा। अच्छा, तो एक प्रैंक करते हैं, मेरे को एक सूझा है एक प्रैंक, तो आप लोग भी देखना क्या प्रैंक है वो, पर देखते हैं ट्राई मारते हैं एक बार। मैं पहली बार ही प्रैंक कर रहा हूँ किसी पे, तो ट्राई करते हैं। तो अभी चाचा ने बोला दो तीन टिश्यू पेपर लेके जाने को, तो ये रहे दो तीन टिश्यू पेपर। पर आप सोचोगे ये प्रैंक कहाँ से हो गया, टिश्यू पेपर बोला टिश्यू पेपर ले जा रहा हूँ, पर नहीं, चाचा ने बोला दो तीन टिश्यू पेपर ले जाने को, और मैं ले जा रहा हूँ दो तीन न्यूज़पेपर। तो अभी देखते क्या सीन होता है हमारे प्रैंक का। A few moments later. So guys, अपना पूरा प्रैंक बर्बाद हो गया, ना चाचा को न्यूज़ पेपर चाहिए था, ना चाचा को टिश्यू पेपर, ना चाचा को न्यूज़ पेपर चाहिए था, ना टिश्यू पेपर चाहिए था, तो मुझसे मंगाए क्योंकि अब कुछ भी नहीं चाहिए था, तो तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी तेल गरम हो चुका है और अभी हम खड़े मसाले डाल रहे हैं इसमें। इसमें ये है, तो ये क्या क्या चीज़ है चाचा? इलायची है, काली मिर्च है, ये लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी का पत्ता है, ये तो अभी चाचा इसे कितना भूनोगे? बहुत टाइम हो गया आपको, तो कब से आप लगे हुए हो इसे हिलाने पे? जब तक प्याज लाल नहीं होंगे ना, अच्छा, तब तक इनको भूनना है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए, मैं सोच रहा हूँ कितना जल्दी जल्दी से जल्दी बने, मतलब मटन जल्दी थोड़ा बनता है इसे, पहले प्याज ब्राउन होंगे। तो अभी उसमें तो काफ़ी लंबी प्रोसेस लग रही है, और इतनी लंबी प्रोसेस मुझसे देखी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। और रौनित और को भी अमरूद मिल गया है, रौनित को भी मिल गया है, और चिया को भी मिल गया है यहाँ पर, और ईशू अभी अमरूद ही ढूंढ रहा है। नहीं मिल रहा क्या सच्ची में? कीड़े नहीं है इसमें। अबे है, देख ले फोड़ के दे। ये तो बहुत ज्यादा पिचका हुआ है। हाँ इसमें है ना पक्का। हाँ कीड़े हैं इसमें। तो आप चाचा क्या डाल रहे हो अब इसमें आप? लहसुन अदरक का। अच्छा लहसुन और अदरक कट करके दोनों, हाँ है ना, मिक्स करके, ठीक है। अच्छा और प्याज ब्राउन हो गए? हाँ थोड़े बहुत हो गए, अब थोड़ा बहुत, अब इनको भी ब्राउन करेंगे। अच्छा ये भी ब्राउन होंगे अभी, बढ़िया। तब टमाटर की बारी है ना। चूल्हे का तो स्वाद ही अलग आता है भाई साहब, गैस से ज़्यादा चूल्हे में स्वाद आता है, क्योंकि इसमें टाइम, भले इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मगर स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है इसका चूल्हे का। तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिए। मैं तो कभी भी गांव में जाता हूँ, हमेशा दादी को यही बोलता हूँ कि आपको कोई भी सब्जी बनानी है आप चूल्हे में बनाओ, गैस में मत बनाओ। अमरूद कितना खाओगे भाई तुम? कितना अमरूद खाओगे भाई? म्यूजिक। अबे यार वहाँ मेरे भाग में तो अमरूद ही नहीं है यार। अब तेरा क्या हो गया कालिया? तो अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हो प्याज ब्राउन हो गए हैं, और लहसुन और जो अदरक हमने कट करके डाले थे वो भी ब्राउन हो गए हैं। तो अभी ज्यादा डालने हैं इसमें टमाटर, तो अभी चाचा नमक डाल रहे हैं, क्योंकि
टमाटर का छिलका बहुत ही मोटा होता है तो उसे गलाने के लिए थोड़ा नमक डालना पड़ता है। हम इसके आगे जैसे नमक डाल दें, आधा थोड़ा कम डालेंगे ना पहले। बाबूजी अमरूद मिल गया। तो अभी टमाटर और प्याज और जो भी हमने डाले थे तो वो गल चुके हैं और अभी हम डालेंगे इसमें हल्दी। ये है पहाड़ की लाल मिर्च, ये थोड़ी सी काफ़ी है, बाकी हम कलर के लिए दूसरी मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर। और ये हम डाल रहे हैं अभी गरम मसाला, ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, तो इससे काफ़ी बढ़िया कलर आ जाएगा। अभी हम तब तक इसे पकाएंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। तो अभी हमने मीट डाल दिया है, तो अभी हम डाल रहे हैं अपना मीट मसाला। तो अभी गाड़ी की धुलाई हो चुकी है, टेस्ट ड्राइव भी हो गई? नहीं अभी टेस्ट ड्राइव नहीं। अच्छा, तो अभी टेस्ट ड्राइव नहीं है और कूलेंट भी नहीं डाला अभी, है ना? कूलेंट भी डालेंगे। अभी हम यहाँ पे गैरेज में आए हुए थे, तो अभी हमने यहाँ पे गाड़ी दे रखी थी, हमारा कुछ काम था गाड़ी में और सर्विसिंग भी होनी थी गाड़ी की, तो इस वजह से हमने गाड़ी यहाँ पे दे रखी थी सुबह से। और अभी 5 बज रहे करीब, तो अंकल ने बोला सारी सर्विसिंग हो चुकी है और जो भी पार्ट्स चेंज करने थे वो मैंने चेंज कर दिए। तो अभी टेस्ट ड्राइव पर जा रखी है गाड़ी, अंकल जी ले जा रखे टेस्ट ड्राइव पर। अभी हम थोड़ी सी एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं गाड़ी की, मैंने तो ली नहीं थी क्योंकि पापा लेके आए थे चला के, तो मैं भी एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ कैसी अब चल रही है गाड़ी। कैसी है क्लच? मस्त है यार, बहुत जबरदस्त, बहुत पावर है यार। अभी गाड़ी की सर्विसिंग हो गई है, तो गाड़ी में हमने थोड़ा सर्विस करवाई थी हमने, और छोटे मोटे पार्ट्स से जो कि चेंज हुए थे, तो कूलेंट का पाइप था जो कि लीक हो रहा था क्योंकि वो गल गया था, इस वजह से वो लीक हो गया था। तो जब हम देहरादून गए थे तब थोड़ी प्रॉब्लम आई थी उसमें, तो वो पापा ने चेंज करवा दिया, तो अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। और क्लच प्लेट भी चेंज करवाई और सर्विसिंग भी हो चुकी है गाड़ी की। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, करते हैं ब्लॉग की समाप्ति, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। एंड जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।